हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद। दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ, द टॉपिक इज ओवर वोल्टेज ड्यू टू स्विचिंग। ये जो टॉपिक है, ये एक सब्जेक्ट है फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में EHV AC and DC, उस यूनिट उस सब्जेक्ट में सेकंड यूनिट में ये टॉपिक आता है, ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू स्विचिंग। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू स्विचिंग। सबसे पहले चीज है कि इस पूरे वीडियो में मैं कौन कौन सा कंटेंट कवर करूँगा। सो जो कंटेंट कवर होगा, दैट विल बी द कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, देन स्विचिंग ओवर वोल्टेज, बिकॉज जो सिलेबस है, सिलेबस में स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस पर भी फोकस है, इसलिए स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, एंड देन कॉजेज ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, एंड देन कंट्रोल ऑफ स्विचिंग सर्जेस। मीन्स बेसिकली दिस कंप्लीट वीडियो इज फोकसिंग ऑन द स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, हाउ स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस आर अकरिंग, वॉट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द स्विचिंग सर्जेस। सो let us see some state or some over voltages, कि किस किस केस में किस लेवल तक ओवर वोल्टेजेस जा सकता है। सपोज वी आर स्विचिंग एन ओपन एंडेड लाइन विद इनफाइनाइट बस, दिस इनफाइनाइट बस विल बी एज AC सोर्स, और जो है ये उस टाइम पर ओवर वोल्टेज है, दिस ओवर वोल्टेज कैन गो अप टू 4.1 पर यूनिट, मीन्स 4 times। देन इनफाइनाइट बस एज AC सोर्स विदाउट ट्रैप चार्जेस 2.6। सिमिलरली और भी बहुत सारे केसेस हैं, इफ हाई स्पीड रिक्लोजिंग ऑफ लाइन आफ्टर फॉल्ट क्लियरेंस, देन इनफाइनाइट वोट दिस ओवर वोल्टेज कैन गो अप टू 3.6। सो ओवर वोल्टेज 4 times, अप टू 4 times तक ओवर वोल्टेज हो सकता है इन एनी पावर सिस्टम। इसलिए हम ओवर वोल्टेज की स्टडी करते हैं पूरे, जब भी हम किसी पावर सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं। तो ओवर वोल्टेजेस की अगर बात करें, तो ओवर वोल्टेजेस मेनली 2 टाइप से होगा। वन इज इंटरनल ओवर वोल्टेज एंड अदर इज एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज में देर आर सेवरल रीजन्स, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस के कौन कौन से रीजन हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। अगर आपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की बात करोगे, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में डिफरेंट डिवाइसेस आपने पढ़े होंगे, दोज आर यूज फॉर द एक्सटर्नल प्रोटेक्शन पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल ओवर वोल्टेज। सो द डिफरेंट कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, सबसे पहला जो कॉज है दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग में द फिनोमिना इज लाइटनिंग। द कॉजेज है दिस इज क्लाउड। क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। आपने देखा होगा ना कि बिजली गिरती है उस टाइम पे, दैट हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। दैट हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर, और एक लाइटनिंग स्ट्रोक होगा। देन इफेक्ट ऑफ दिस लाइटनिंग फिनोमेना इज लाइन इंसुलेटर फ्लैश ओवर और लाइन इंसुलेटर पंचर हो जाना। तो ये फिनोमेना है ओवर वोल्टेज के, लाइटनिंग उसके कॉजेज और उसका इफेक्ट। देन सेकेंड फिनोमेना अगर हम बात करें ओवर वोल्टेज की, तो सेकेंड फिनोमेना इज स्विचिंग। स्विचिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर वोल्टेज। इसमें जो इसके कॉजेज हैं स्विचिंग के, दैट इज मेनली ब्रेकिंग इंडक्टिव सर्किट। मीन्स इंडक्टिव सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन द सप्लाई, और लाइव इंडक्टिव सर्किट इफ यू आर रिमूविंग दैट इंडक्टिव सर्किट, देन दैट मे कॉज द स्विचिंग ओवर वोल्टेज। और इसका जो इफेक्ट है, दैट इफेक्ट मे बी सर्किट वोल्ट ब्रेकर वोल्टेज स्ट्रेस, और री स्ट्राइकिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली स्विचिंग ऑन ऑफ कैपेसिटिव लाइन, स्विचिंग ऑन कैपेसिटिव लाइन, इसमें द चार्जिंग करेंट की वजह से क्या होगा, ट्रैवलिंग वेव जनरेट होगी एंड
इसके जो इफेक्ट हैं, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेशन पर स्ट्रेस पड़ेगा ड्यू टू कैपेसिटिव लाइन के, अगर स्विचिंग ऑन ऑफ कैपेसिटिव लाइन, अदर स्विचिंग ऑपरेशन भी हैं, अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड इन एंड ट्रांसमिशन लाइन, देन आर्किंग ग्राउंड. द कॉज ऑफ दिस आर्किंग ग्राउंड इज लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटिव चार्ज गेट डिस्चार्ज थ्रू अर्थ फॉल्ट, और इफेक्ट इज द टेम्पररी फॉल्ट ग्रोज इन टू परमानेंट फॉल्ट एंड वोल्टेज मे राइज अप टू 3 to 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज. देन सडन चेंज इन सिस्टम कंडीशन, द एनर्जी इन इंडक्टेंस ट्रांसफर टू कैपेसिटेंस, और द वोल्टेज ऑस्किलेशन मे अकर ड्यू टू सडन चेंज इन सिस्टम कंडीशन. देन रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस द इन पावर सिस्टम अगर हम बात करें तो रेजोनेंस नहीं, इसमें जो रेजोनेंस है उसको नाम देते हैं फेरो रेजोनेंस. सो कॉजेज ऑफ दिस रेजोनेंस और फेरो रेजोनेंस इज द फॉल्ट कॉजिंग रेजोनेंस बिटवीन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं फॉल्ट हो जाती है, उस फॉल्ट की वजह से ओनली इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस उस सर्किट में कनेक्टेड रहेगा, देन दैट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल फॉर्म अ रेजोनेंस दैट इज नॉन एज फेरो रेजोनेंस. और ड्यू टू दिस फेरो रेजोनेंस देर इज रैपिड इंक्रीज इन वोल्टेज, और सो उसकी वजह से क्या होगा, ओवर वोल्टेज एंड इंसुलेशन फेलियर में अगर इंसुलेशन फेल हो सकता है. देन ट्रेवलिंग वेव, इफ देर इज हाई वोल्टेज वेव, दैट हाई वोल्टेज वेव इज रिफ्लेक्टेड ऑन रीचिंग और जंक्शन एंड से, अगर वो हाई वोल्टेज वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, देन दैट मे ऑल्सो कॉज द ओवर वोल्टेज. और इसका जो इफेक्ट है दैट इज रिफ्लेक्टिव वेव गेट सुपर इम्पोज ऑन इनिशियल and voltage may rise up to several times of the normal. Then चूँकि ये जो topic है जो syllabus में जो main focus is on the internal voltage, and in internal voltage also main focus is on switching voltage, switching over voltage. So the internal voltage का जो part है, there are two type of internal voltage, internal switching and temporary. तो जो हमारा फोकस है इस वीडियो में दैट इज मेनली ऑन स्विचिंग ओवर वोल्टेज. स्विचिंग ओवर वोल्टेज पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, बिकॉज जो जो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज है दीज आर द सेकेंडरी फैक्टर, एंड स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर मेनली गवर्निंग पैरामीटर्स, यही गवर्न करते हैं क्योंकि इसके लिए डिज़ाइन ऑफ इंसुलेशन. जब हाई वोल्टेज लाइन के और EHV और UHV सिस्टम में लाइन की डिज़ाइन हो रही है, उस टाइम पर जो स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस का कंसिडरेशन है दैट इज़ द मेन पैरामीटर, एंड लाइटनिंग जो ओवर वोल्टेज है ये सेकेंडरी पैरामीटर. और लाइटनिंग का सेकेंडरी पैरामीटर क्यों है, बिकॉज द ओवर वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन और सॉरी ओवर वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक. जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं इसका जो वोल्टेज है दीज आर ओनली स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन पावर सिस्टम वोल्टेज. अगर ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग आना है तो वो हाई वोल्टेज हो, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो या UHV हो, किसी पर भी होगा, मीन्स देर इज नो रिलेशन बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाई द लाइटनिंग स्ट्रोक. चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, अगर लाइटनिंग ओवर वोल्टेज होना है या फिर लाइटनिंग स्ट्रोक होना है तो वो किसी भी वोल्टेज लेवल पर हो सकता है. इसलिए इसको पहला पॉइंट इस वजह से लाइटनिंग ओवर वोल्टेज को डिजाइन पैरामीटर में सेकेंडरी रखा है. दूसरा, जो एक्सटर्नल इंसुलेशन जो है या एक्सटर्नल प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है जो सर्किट में या जिसको इंस्टॉल करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज, दैट प्रोटेक्शन सर्किट इज हैविंग लोएस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ. तो मीन्स वो बहुत जल्दी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वर्क करना स्टार्ट कर देता है. तो इसलिए जो स्विचिंग सर्जेस जो इंटरनली प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मेन डिजाइनिंग फैक्टर है फॉर डिजाइनिंग ऑफ EHV एंड UHV लाइन्स. एंड द स्विचिंग ओवर वोल्टेज क्यों जनरेट हो रहे, दीज आर जनरली जनरेटेड ड्यू टू मेकिंग, या तो कनेक्शन मेक हो रहा है या फिर कनेक्शन ब्रेक हो रहा है. सो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दिस मे कॉज द एबनॉर्मल ओवर वोल्टेज. और ये जो एबनॉर्मल वोल्टेज है
वो कब होगा? व्हेन एनी सिस्टम इज हैविंग लार्ज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सो एनी मेकिंग और ब्रेकिंग सर्किट को, चाहे आप सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं या फिर सर्किट डिसकनेक्ट कर रहे हैं, हैविंग एनी, इफ एनी सर्किट इज, इफ एनी सिस्टम और एनी पावर सिस्टम इज हैविंग लार्ज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन दैट सिस्टम, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ सर्किट कैन कॉज एबनॉर्मल ओवर वोल्टेजेस, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग ओवर वोल्टेज। एंड दिस एबनॉर्मल वोल्टेज मे बी अप टू 6 टाइम्स, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज है उससे 6 टाइम्स तक हो सकता है। इट मीन्स ये जो ओवर वोल्टेज है दैट इज टू मच डेंजरस। एंड ये जो है दिस मे बी ड्यू टू, अगर आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। सो दिस सर्किट ब्रेकिंग ऑपरेशन कैन, और जो वोल्टेज जो रीस्ट्राइकिंग हो रहा है, दैट मे प्रोड्यूस द आर्क बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। जब आर्क प्रोड्यूस होगी मीन्स दैट ब्रेकर मे फेल। सो स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस में दैट प्रोटेक्शन भी काम नहीं कर सकता, सर्किट ब्रेकर भी फेल हो सकता है ड्यू टू ट्रिपल आर रीस्ट्राइकिंग ऑफ द वोल्टेज। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस हो सकता है, ये कौन कौन से फिनोमेना हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस हो सकता है? वन इज़ डी एनर्जाइजिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, केबल्स है, शंट कैपेसिटर है, कैपेसिटर बैंक है, मीन्स एनी कनेक्शन और डिसकनेक्शन। देन डिसकनेक्शन ऑफ अनलोडेड ट्रांसफार्मर, देन इनर्जाइजेशन ऑफ रिक्लोजिंग, इनर्जाइजेशन और रिक्लोजिंग ऑफ लाइन्स एंड रिएक्टिव लोड्स। अब इन पर पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिए कि कैपेसिटेंस, दीज आर हैविंग हायर कैपेसिटेंस एंड देन रिएक्टिव लोड, हायर इंडक्टेंस। सो एनी पावर सिस्टम कैरिंग हायर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन दैट सिस्टम, इफ देयर इज एनी स्विचिंग देन एबनॉर्मल कंडीशंस मे बी देयर, और जो है ना सडन राइज इन द वोल्टेज में भी देयर। देन सडन स्विचिंग ऑफ द लोड, आप अचानक से लोड को डिसकनेक्ट कर देते हैं इफ देयर इज एनी शॉर्ट सर्किट। एंड देन अनदर कंडीशन इज रेजोनेंस फिनोमिना, रेजोनेंस दैट इज फेरो रेजोनेंस, अगर कहीं फॉल्ट हो रहा है और ओनली इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज रिमेनिंग इन द सर्किट, देन दैट मे रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ फेरो रेजोनेंस। एंड इनमें और अगर आगे और डिटेल में देखते हैं, देन इनर्जाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल्स, स्पेशली कब, व्हेन इनर्जाइजेशन ऑफ अ लाइन दैट इज ओपन सर्किटेड एट द फार एंड। एंड देन अनदर केस, इनर्जाइजेशन ऑफ अ लाइन विच इज टर्मिनेटेड बाई एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर, देन इनर्जाइजेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ लो वोल्टेज साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर, और री इनर्जाइजेशन ऑफ अ लाइन व्हेन हाई स्पीड रिक्लोजर्स आर used. If we are using high speed reclosers means frequent connection and disconnection, means closing and opening of switches is doing. We are doing the frequent connection and disconnection of recloser switches. So that will also cause the switching over voltage. Then and further load rejection may also result in the switching over voltage. फॉल्ट इनिशिएशन एंड क्लियरिंग, इफ सपोज एनी फॉल्ट इनिशिएट हो रही है या कहीं फॉल्ट हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप फॉल्ट क्लियर कर रहे हैं तब भी स्विचिंग ओवर वोल्टेज हो सकता है। देन इफ यू आर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द इक्विपमेंट, ये भी स्पेशली कब, व्हेन स्विचिंग ऑफ हाई वोल्टेज रिएक्टर्स, यहाँ जहाँ इंडक्टेंस ज़्यादा है, स्विचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ पर भी रिएक्टिव पार्ट ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा, एंड स्विचिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन्स फॉर स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस। अब वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट केस इज इनर्जाइजेशन ऑफ अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन, ये एक वन लाइन डायग्राम दिया है ट्रांसमिशन लाइन का। दिस इज स्विच, दिस स्विच इज ओपन, इफ यू विल क्लोज दिस स्विच, तो जो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दिस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस।
अगर इसमें केवीएल लगाया तो वी एस टी विल बी इक्वल टू आर आई टी प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, वेयर सप्लाई वोल्टेज दिस वी एस इज जो वी एस इज दिस वी एस साइन ओमेगा टी प्लस टी. सो देन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में जो वैल्यूज हैं दैट थीटा इज टैन इनवर्स माइनस आर अपॉन ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, देन वी सी इज वी एस अपॉन ओमेगा सी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर एंड अदर कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो देयर ए बीटा अल्फा ओमेगा नॉट एंड ओमेगा वन. मीन्स जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे. ये उसका एनालिसिस है स्विचिंग के केस में. दिस डॉटेड लाइन इज सप्लाई वोल्टेज एंड जब इसको सप्लाई वोल्टेज इसकी स्विचिंग की तो उस टाइम पर आप देखें कि ये जो वेव फॉर्म है द स्विचिंग सर्जेस और इनकी फ्रिक्वेंसी देखें नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी भी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है. सो दिस इज द केस ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेज. सेकेंड टेम्परेरी ओवर वोल्टेज, इसी स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस में टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस इनकी जो इंटेंसिटी है दैट मे बी फ्रॉम फ्यू साइकल्स टू फ्यू सेकेंड्स. ये जनरली अनडैम्प्ड हैं और स्लाइटली डैम्प्ड ऑस्किलेशंस. इनमें से टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस में मेन है लोड रिजेक्शन, पेरेंटी इफेक्ट्स एंड ग्राउंड फॉल्ट. सो लोड रिजेक्शन में मीन्स सडन लोड रिजेक्शन ऑन अ लार्ज पावर सिस्टम. आपने क्या किया कि एक पावर सिस्टम है इफ दैट इज हैवीली लोडेड और दैट इज लोडेड एंड वी आर रिमूविंग सडनली अ लार्ज पार्ट ऑफ द लोड, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ जनरेटर. जनरेटर कहाँ, एट जनरेटिंग स्टेशन. सो ड्यू टू सडन रिमूवल ऑफ लोड जनरेटर और प्राइम मूवर की स्पीड क्या होगी, शार्पली इंक्रीज करेगी. इफ स्पीड विल इंक्रीज तो जब तक स्पीड गवर्नर एंड ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर काम करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल रीस्टोर टू नॉर्मल कंडीशंस, तब तक क्या होगा, सिंस स्पीड विल इंक्रीज सो फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज ये दोनों के दोनों चीज़ें इंक्रीज हो चुकी होंगी. फ्रिक्वेंसी क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन एन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. तो इफ जनरेटर स्पीड इट इज इंक्रीज देन फ्रिक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज. और जो जनरेटेड ई एम एफ है, जनरेटेड ई एम एफ ई जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. सो अगर सडन लोड रिजेक्शन है तो ड्यू टू सडन लोड रिडक्शन फ्रिक्वेंसी एंड जनरेटेड ई एम एफ विल इंक्रीज, तब तक जब तक कि स्पीड गवर्नर और वोल्टेज रेगुलेटर एक्शन में आके और कंडीशंस को नॉर्मल करेंगे, बट फॉर इट शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज विल बी इन इंक्रीज कंडीशन. देन करंटी इफेक्ट, दिस इज वेल नोन इफेक्ट, इफ देर इज एनी लोडेड अनलोडेड और लाइटली लोडेड लाइन है उसमें रिसीविंग एंड पर वो जो वोल्टेज है दैट इज हायर देन द सेंडिंग वोल्टेज एंड डिफरेंट कॉन्स्टेंट वी आर और वी आर अपॉन वी एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन कॉस बीटा नॉट एल. वी आर इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, वी एस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज और बीटा नॉट दिस इज द फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट एंड एल इज द लेंथ ऑफ लाइन. सो करंट इफेक्ट इज वेल नोन इफेक्ट. देन ग्राउंड फॉल्ट, सो सपोज ए सिंगल एल जी फॉल्ट इज अकरिंग, तो जो ये सिंगल एल जी फॉल्ट हो सकती है, इस एल जी फॉल्ट की वजह से जो अदर हेल्दी फेज है उसका वोल्टेज राइज हो सकता है. दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेज. फॉल्ट हो रही है एक फेज में और जो वोल्टेज राइज हो रहा है अनदर फेज का. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉलिडली ग्राउंडेड फेज सिस्टम विल ओनली परमिट फेज टू ग्राउंड ओवर वोल्टेज एंड दोज ओवर वोल्टेजेस विल बी वेल बिलो टू द लाइन टू लाइन वोल्टेज. सो सॉलिडली ग्राउंड सिस्टम
can be used for this purpose. Then control of switching surges. ये अभी हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ने हैं ये सारे के हैं जिनकी वजह से स्विचिंग सर्जेज हो सकते हैं. इनर्जाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन वन और मोर स्टेप्स. अगर हमें कंट्रोल करना है स्विचिंग सर्ज पर, अभी तक हमने पढ़ा रीजन्स फॉर स्विचिंग सर्ज, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स और व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स जिसकी वजह से इंटरनल ओवर वोल्टेज और इंटरनल स्विचिंग सर्जेस जनरेट होंगे. अब जो पढ़ना है दैट इज कंट्रोल कैसे करेंगे उन स्विचिंग सर्जेस को. सो फर्स्ट मैथड इज इनर्जाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. कब दैट इनर्जाइजेशन विल नॉट बी डायरेक्ट बट दैट विल बी इन वन और मोर स्टेप्स. और ये वन और मोर स्टेप्स कैसे फॉलो होगा, बाई इंसर्टिंग रेजिस्टेंस. आपने पहले कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस ऐड किया ड्यूरिंग द कनेक्शन एंड देन विदड्रॉइंग दैट. तो सडन कनेक्शन की बजाय आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन को स्टेप बाई स्टेप कर रहे हो. पहले आपने कुछ रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया देन स्लोली वी आर रिमूविंग दैट रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट. देन नेक्स्ट इज फेज कंट्रोल्ड क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर. हम सारे मेथड्स को एक एक करके अभी आगे डिस्कस करेंगे. देन यूज ऑफ शंट रिएक्टर्स, देन ड्रेनेज ऑफ ट्रैप्ड चार्जेस बिफोर रिक्लोजिंग एंड लिमिटिंग स्विचिंग सर्जेस बाई सुटेबल सर्ज डाइवर्टर्स. तो एक एक करके जब हम डिस्कस करते हैं तो रजिस्टर स्विचिंग, ये यहाँ पर आप देखिए कि ये एक ये सप्लाई हो गया, ये मेन सर्किट ब्रेकर है, ये ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर है, ये मेन ये ऑक्सिलरी. तो बिफोर कनेक्टिंग दिस मेन सर्किट ब्रेकर इनिशियली दिस ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर विल बी क्लोज. सो द कनेक्शन विल बी लाइक दिस, मीन्स दिस आर एस विल बी कनेक्टेड इन द सर्किट. और उसके बाद फिर हम ये मेन सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे. सो एट द टाइम ऑफ इनर्जाइजेशन द मेन ब्रेकर इज ओपन वाइल द ऑक्सिलरी ब्रेकर क्लोजेस. फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जो आफ्टर अ शॉर्टर ड्यूरेशन आपने मेन सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिया, देन द पॉइंट इज दैट हाउ टू सिलेक्ट दिस आर एस. ये आर एस जो सिलेक्ट करते हैं दिस इज सिलेक्टेड टू अचीव ऑप्टिमम रिजल्ट. एंड इसकी जो वैल्यू है ये इट विल डिपेंड ऑन सर्ज इम्पिडेंस ऑफ द लाइन एंड इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी स्लाइटली हायर देन द सर्ज इम्पिडेंस एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंसर्शन टाइम ऑफ द रजिस्टेंस कि कितने देर में आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द मैथड ऑफ रजिस्टेंस स्विचिंग. देन फेज कंट्रोल्ड क्लोजर मीन्स आप जो क्लोजिंग है स्विचेस की उसको आप प्रॉपरली कंट्रोल करो उसकी टाइमिंग को. सो दिस बाय प्रॉपरली टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर फॉल्स जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज है दैट कैन बी रिड्यूस्ड. ये दिस कैन बी कंट्रोल्ड फॉर द सक्सेसिवली फॉर द थ्री पोल्स. एक एक करके करना है. और ये नॉर्मल जो कन्वेंशनल सर्किट ब्रेकर्स हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल है बट इट इज इजी फॉर सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर्स. देन यूज ऑफ शंट रिएक्टर्स. शंट रिएक्टर्स जनरली ट्रांसमिशन लाइन में दीज आर यूज फॉर द कंपनसेशन पर्पज. कंपनसेशन से क्या होगा, टू अल्टीमेटली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. बट इनके जो एड ऑन एडवांटेज है कि ये जो इनर्जाइजेशन के टाइम पे जो सर्जेस प्रोड्यूस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्विचिंग कंडीशंस. सो वन पॉइंट और वन एडवांटेज इज दैट दे कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. अनदर एडवांटेज दे कैन रिड्यूस द स्विचिंग सर्जेस. देन ड्रेनेज ऑफ ट्रैप्ड चार्जेस. जो चार्ज सपोज ट्रांसमिशन लाइन है वो ऑलरेडी आपने डीएनर्जाइज कर दे, डीएनर्जाइज करने मीन्स आपने डिसकनेक्ट कर दिया, स्टिल वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा दैट इज ट्रैप्ड चार्ज. सो चार्जेस आर ट्रैप्ड ऑन द कैपेसिटेंस टू ग्राउंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. तो जब आप रीएनर्जाइज करेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को उससे पहले दिस चार्ज शुड बी ड्रेन्ड, अदरवाइज दीज चार्जेस मे कॉज एन इंक्रीज इन रिजल्ट इन सर्ज.
ये जो चार्ज है ये ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, और उसके बाद आपने और इसको इनिशिएट किया, इसमें री एनर्जाइज करने लगे तो क्या होगा, ओवर वोल्टेजेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दैट ट्रैप्ड चार्ज मस्ट बी ड्रेन्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट स्विचिंग रजिस्टर्स आर यूज विद द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर टू ड्रेन दैट ट्रैप्ड चार्ज। देन जो मेथड अभी हमने डिस्कस किए थे उन सब का एक एक करके जो है ना शॉर्ट पॉइंट में समराइज है कि कंडीशन ऑफ स्विचिंग इज एनर्जाइजिंग एन अनचार्ज लाइन, देन हाउ टू रिड्यूस, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्विचिंग ओवर वोल्टेज मीन्स वन इज कंडीशन एंड अनदर वन इज मेथड। यहाँ एक ही साथ हमने कंपेयर किया हुआ है। सो एनर्जाइजिंग एन अनचार्ज लाइन, सो फॉर दिस पर्पज हाई वोल्टेज शंट रिएक्टर्स कनेक्टेड टू द लाइन रिड्यूसेज द पावर फ्रिक्वेंसी और ओवर वोल्टेज। यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज रिएक्टर्स कनेक्ट कर दिए, सो दिस कैन रिड्यूस द स्विचिंग ओवर वोल्टेज व्हेन एनर्जाइजिंग एंड अनचार्ज करें। देन सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ ट्रैप्ड चार्जेस, जो ट्रैप चार्जेस जो ट्रैप्ड है, सो लाइन आफ्टर ओपनिंग ये लाइन है इस सर्किट ब्रेकर के थ्रू यहाँ पर आपने कनेक्ट कर रखा है। जब आप इस सर्किट ब्रेकर के ये स्विच को ऑन करते हैं सो द कंप्लीटली चार्ज विच इज स्टोर्ड इन दिस लाइन दैट विल बी ड्रेन टू द ग्राउंड। देन रिडक्शन ऑफ करंट चॉपिंग, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में इनिशियली आप ये स्विच को साथ में ऑन करेंगे तो जो कंप्लीट करंट है दैट विल फ्लो लाइक दिस, मीन्स इट विल डिवाइड एट दिस पॉइंट, एंड जब ये ऑपरेट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जाएगी एट दैट टाइम यू विल स्विच ऑन दिस स्विच। सो दिस रेजिस्टेंस विल बी इनिशियली आप जो है ना कनेक्ट करना है एंड देन डिसकनेक्ट करना है व्हेन द लाइन इज कम्प्लीटली इनर्जाइज, एंड देन रिडक्शन रिड्यूसिंग द स्विचिंग ओवर वोल्टेज ड्यू टू क्लोजिंग। ये सिंगल स्टेज प्री क्लोजिंग है, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन ये पहले आपने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच, और टू स्टेज प्री क्लोजिंग है मीन्स आप पहले आपने क्या किया कि ये स्विच क्लोज किया, सो दिस कंप्लीट विल बी कनेक्टेड, एंड देन फिर आपने इस स्विच को ऑन कर दिया सो दिस पार्ट विल बी डिसकनेक्टेड एंड ओनली दिस विल रिमेन इन कनेक्शन। फिर उसके बाद जब आपने इसको डिसकनेक्ट कर दिया तो ये वाला पार्ट भी दिस टोटल कंप्लीट पार्ट विल बी डिसकनेक्टेड। सो ये स्टेज में डिसकनेक्शन है, टू स्टेज प्री क्लोजिंग एंड डिसकनेक्शन। देन क्लोजिंग रजिस्टर इन लाइन बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड शंट रिएक्टर जस्ट लाइक प्रीवियस, देन रिड्यूसिंग स्विचिंग ओवर वोल्टेज बाई इम्प्रूव्ड स्विचिंग सीक्वेंस। यहाँ तीन हैं, आप इनमें से जब स्विचिंग सीक्वेंस इंप्रूव कर सकते हो, ये जो हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर की हेल्प से ये इजी हो जाएगा। सो इस पूरे वीडियो में हमने क्या लर्न किया, द व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज क्या है, देन व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेज, एंड देन हाउ कैन वी कंट्रोल दीज स्विचिंग ओवर वोल्टेज। इस वीडियो को या इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में इस बुक से हमने हेल्प ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।